हेलो नाजरीन, आज हम जा रहे हैं अपनी सुजुकी स्विफ्ट की पहली फ्री इंस्पेक्शन करवाने, बिकॉज अगर आप देखें तो गाड़ी जो है वो 1000 किलोमीटर हिट कर गई है, तो इसकी पहली इंस्पेक्शन जो है ड्यू है। तो अभी हम शोरूम जा रहे हैं इसकी पहली इंस्पेक्शन करवाने। 1000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी और अभी तक मुझे गाड़ी से कोई प्रॉब्लम मैंने अभी तक कोई फेस नहीं की, जो कि मुझे शोरूम वालों को हाईलाइट करनी है। तो गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है और गाड़ी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, कोई ऐसी एबनॉर्मल नॉइज़ कोई क्रिएट नहीं हुई। इंजन की नॉइज़ भी वैसी है जैसी ये ब्रांड न्यू की थी और गाड़ी जो है तकरीबन 3 टैंक फुल करवाए हैं, 2 टैंक तो प्रॉपरली कंज्यूम कर लिए, इसमें तीसरा भी हाफ कंज्यूम कर लिया और ये 1000 तक पहुंची है। रनिंग के हिसाब से इसकी एवरेज अलग अलग होती है, तो अभी तक एवरेज के बारे में गाड़ी की इकोनॉमी के बारे में बताना कबलस वक्त है, जब तक कोई लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाते, क्योंकि मैं तो अभी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता हूँ, तो गाड़ी ज़्यादातर ट्रैफिक में ही फंसी रहती है और ट्रैफिक में फंसी रहने की वजह से जो है इसकी फ्यूल एवरेज जो है मुझे जो दिखा रही है वो 12.7 दिखा रही है, ये देखिए 12.7। सो दैट इज़ द रीज़न ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से, और मैक्सिमम जो स्पीड है वो मेरी 60 से ऊपर नहीं जाती, तो एवरेज का मेरे लिए शायद गाड़ी मुझे कम एवरेज देगी, क्योंकि मेरी ऑफिस की लोकेशन और ट्रैफिक का जो है वो डिफरेंट सिस्टम है। मगर बाकी लोगों के लिए जिनके पास लॉन्ग रूट है, जिनके पास विदाउट ट्रैफिक रोड्स हैं, उनको ये गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज देती है। चलें शोरूम चलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं गाड़ी के, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। गाड़ी का पानी और बाकी चीज़ें भी तकरीबन पूरी हैं। इसका फर्स्ट ऑयल चेंज होगा 7500 किलोमीटर्स पे। नट बोल्ट वगैरह लिक्विड वगैरह सारी चीज़ें चेक हो गई हैं, कार वॉश भी हो गई है अंदर से, अभी क्लीन विलीन करेंगे, पॉलिश करेंगे और उसके बाद ये हैंड ओवर करेंगे। अच्छा, इन्होंने सारे लिक्विड भी कंप्लीट कर दिए हैं, नट बोल्ट वॉश टाइट कर दिए हैं और सब गियर ऑयल वगैरह भी चेक करते हैं, उसके बाद जाके जो है अगर कोई लिक्विड मिसिंग होता है तो वो भी फिल कर देते। गाड़ी जो है वो वॉश हो गई है और फर्स्ट सर्विस भी हो गई है इसकी, अभी बस ये हैंड ओवर करेंगे, अभी इसको क्लीन कर रहे हैं, बस ड्राई कर रहे हैं और उसके बाद हैंड ओवर करेंगे।